हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड लैब टेक्नोलॉजी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अगली वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। इंस्ट्रूमेंट को आप बोलते हैं स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। जनरली ये जो इंडस्ट्रियल फील्ड लेबोरेटरी होती है या सिविल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में जो भी फ्रेंड्स मेरे काम करते हैं, उन्होंने जरूर कभी ना कभी इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा या यूज किया होगा। तो अगर यूज नहीं भी किया है, चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको स्क्रू गेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्क्रू पैटर्न पर डिजाइन है, इसलिए इसको स्क्रू गेज बोलते हैं। और माइक्रोमीटर के कहने के पीछे कारण यह है कि ये एमएम के 100वें भाग तक किसी भी प्लेट्स या पतली हुई थिन प्लेट्स की थिकनेस को ये चेक कर सकता है, 1 mm के 100वें भाग तक। या इसको आप यूं भी बोल सकते हैं कि 10 माइक्रोन तक की थिकनेस को ये चेक कर सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर ही बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा आप डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशलिटी है 100 mm कैन चेक 100 पार्ट्स ऑफ 1 mm और मोर देन 10 माइक्रोन थिकनेस, यानी कि 1 mm के 100वें भाग तक ये चेक कर सकता है या 10 माइक्रोन तक की थिकनेस को ये चेक कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो है होता है 0.01 mm या 10 माइक्रोन, और जो मैक्सिमम इसका मेजरमेंट लेने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 25 mm। ईजी टू यूज होता है, यूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेज में काफ़ी यूजफुल होता है, और किसी भी वेरी थिन स्टील प्लेट्स स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट के लिए ये यूजफुल होता है। चलिए इसके बारे में आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। ये मेरी कहलाती है स्क्रू फ्रेम कहलाती है, ये मेरा स्पिंडल कहलाता है, ये मेरा एनविल कहलाता है, ये मेरा कहलाता है मेन स्केल, ये मेरा कहलाता है रोटेटरी स्केल, ये मेरा कहलाता है रैट चैट, RAT रेट चेट। ठीक है, आप जो मेन स्केल देख रहे होंगे इसका, इसके मेन स्केल पर आप, ये वाला मेरा मेन स्केल, इस मेन स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार से 25 mm तक के मेजरमेंट बनाए हुए हैं। और ये मेरा रोटेटरी स्केल है। रोटेटरी स्केल क्या होता है, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो रोटेटरी स्केल मेरा राइट की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे कि यहाँ पे जो मेरा राइट की तरफ शिफ्ट होने पे क्या होगा, जब मैं इसका एक राउंड पूरा कर लूंगा यानी कि 0 से लेके वापस पे 0 पर जाऊंगा, तो यहाँ पे ये मेरा एक डिवीजन शिफ्ट हो जाएगा। एक डिवीजन मीन्स इसका एक डिवीजन होता है 1 mm के बराबर होता है बेस लाइन का। ठीक है, तो जब एक राउंड पूरा करने पर ये मेरा 1 mm शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 mm के 100 भाग घुमाने पर इसमें 100 डिवीजन आप दिख रहे होंगे आपको, ये इसमें 100 डिवीजन दिए हुए हैं, यानी कि 100 डिवीजन घुमा देने पर रोटेटरी स्केल को ये 1 mm शिफ्ट होता है। चलिए इससे मेजरमेंट कैसे चेक करते हैं इसको मैं प्रैक्टिकल की हेल्प से आगे समझा देता हूँ, तो प्लीज एंड तक देखते रहिए फ्रेंड। चलते हैं आगे देखते हैं। स्क्रू गेज के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी मैंने आपको आगे बता दी है। अब इससे आप किसी भी थिन प्लेट्स या स्टील प्लेट्स या प्लास्टिक की थिकनेस कैसे इसको चेक करेंगे, चलो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ समझा दूँ आपके इसके पार्ट्स और इसके मेजरमेंट कैसे लेना हो बता देता हूँ। ये जो रोटेट हो रहा है ये मेरा रोटेटरी स्केल कहलाता है, या इसको माइक्रो स्केल ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 mm के 100वें पार्ट तक डिवीजन इसमें अंकित किए हुए हैं, इसलिए इसको आप माइक्रो स्केल बोल सकते हैं, जो कि 10 माइक्रोन तक की थिकनेस को मेजर कर सकता है। ठीक है, ये मेरा कहलाता है स्पिंडल और ये मेरा कहलाती है एनविल। ओके, ये जो आप स्केल देख रहे हैं अंदर वाली, ये मेरी मेन स्केल है। ठीक है, ये मेरी मेन स्केल है और इसमें आप देख रहे होंगे जब ये मेरे रोटेटरी स्केल एक डिवीजन आगे बढ़ता है तो ये मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो थिकनेस है यहाँ पे वो मेरी 1 mm हो जाती है। जब 2 बढ़ता है 2 mm, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे जब मैं इसको और ओपन करूँगा, ये मेरा 5 mm हो गया है। इसको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, ये 10 mm। इसका जो मैक्सिमम काउंट है वो है 25 mm, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप मैं थिकनेस चेक करके देखते हैं। इसको वापस से 0 की पोजीशन में ले आइए, ये मेरा 0 की पोजीशन होंगे, बेस लाइन और जो भी 0 की लाइन है वो दोनों मैच हो जाएंगी, तो ये मेरी जो आपकी स्क्रू गेज है वो 0 की पोजीशन में सेट हो जाएगी।
अब जैसे मैं ये जो वाशर है इसकी थिकनेस चेक करना चाहता हूँ, तो इसकी थिकनेस करने के लिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद वाशर को यहाँ पे इस प्रकार से ये मेरा वाशर फिट हो गया, अब इसको हम टाइट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जब अच्छी तरह से टाइट करेंगे तो ये जो आपका रैट चेट बोलते हैं RAT रैट और चेट, इसको आप जब रोटेट करेंगे तो ये आपकी आवाज़ करने लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। आवाज़ आपको आ रही होगी, इसका आवाज़ आने का मतलब ये है कि आपका स्क्रू गेज और टाइट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको इस पोजीशन मेजरमेंट ले लेना है। तो आप देख रहे होंगे जो मेरा स्केल है, जो मेरी मेन स्केल की रीडिंग है वो है 1 mm, 1 mm कम्प्लीट हो चुकी है, और 2 mm से थोड़ा ही पहले ये मेरा सर्कुलर स्केल या माइक्रो स्केल रुक गया है। अब इसकी रीडिंग आपको कहाँ से लेना होगा, इसकी रीडिंग आपको इस डिवीजन को काउंट करना होगा, यानी कि जो मेरी 70 और 71, 72 और 73, ठीक है। यानी कि मेरी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 1 mm, और जो मेरी रोटेटरी स्केल की या माइक्रो स्केल की रीडिंग है वो है 73। तो इसको मैं पहले mm में कन्वर्ट कर लूँगा और फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इसका। इसी कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, जो पहले लाइन आपको लेनी है वो रीडिंग लेनी है आपको मेन स्केल की, जो मैंने इस सैंपल के लिए आई थी मेरी 1 mm, और आपको सेकंड रीडिंग लेनी है माइक्रो स्केल की। माइक्रो स्केल को आपको mm में रीडिंग नहीं आएगी, इसको आपको पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो मेरी माइक्रो स्केल की रीडिंग आई थी 73 पार्ट्स आए थे, तो इस 73 पार्ट को आपको क्या करना होगा, mm में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं कि इसका 1 mm के 100वें भाग तक ये आपको रीडिंग देता है, तो इसके लिए क्या करना है, आपके जो भी पार्ट आएंगे, जैसे 73 पार्ट आए हैं मेरे, तो इसको मैं टोटल पार्ट से डिवाइड कर दूंगा जो है 100, ठीक है। 73 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरी mm में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मेरा हो जाएगा 0.73 mm। फिर इसको क्या करना होगा, फाइनल मेजरमेंट के लिए आपको इसका फॉर्मूला होगा मैन स्केल रीडिंग प्लस माइक्रो स्केल रीडिंग। तो मेरी मैन स्केल रीडिंग है 1 mm और माइक्रो स्केल रीडिंग है 0.73 mm, तो मेरी टोटल फाइनल मेजरमेंट हो जाएगा 1.73 mm। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।